नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। इस वीडियो में हम बात करेंगे जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज कंपनी के बारे में। इस कंपनी का डिटेल एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड्स, ये स्टॉक में हमें क्या नज़र आ रहा है, मैं अपना व्यू रखने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, इस चीज़ को आपको जरूर समझना है और ये कंपनी का बिजनेस एनालिसिस करना है। तो ये कंपनी में क्या अपॉर्चुनिटी है और ये लॉन्ग टर्म में क्या बढ़िया सा वेल्थ बना के दे सकता है कि नहीं है, और उसके साथ में हमें स्विंग ट्रेड का क्या अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आज ये स्विंग ट्रेड ग्रुप हमारा है तो हमें स्विंग ट्रेड में भी क्या अपॉर्चुनिटी है, इस चीज़ का भी हम जरूर यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, उसी के साथ में सीखने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बार जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, पहली बार आपने अगर इस चैनल पर विजिट किए हैं, चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। फ्रेंड्स, अगर कंपनी के बारे में बात करेंगे, कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है और कंपनी का अगर इस चीज में हम जाके कंपनी का रिजल्ट को एक बार पहले स्टडी कर लेते हैं। कंपनी का यहाँ पे जो रिजल्ट देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे एक स्टडीली अगर हम देखेंगे तो 400 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट था। तो मतलब इतना बड़ा प्रॉफिट में, सॉरी, सेल्स में इतना बड़ा ग्रोइंग नज़र नहीं आ रहा है, जो कि यहाँ पे 400 करोड़ का था, अभी यहाँ पे 548 करोड़ का यहाँ पे सेल्स देखने को मिल रहा है। उसी के साथ में अगर हम नेट प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे 20 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और यहाँ पे आके ये जो नेट प्रॉफिट है 37 करोड़ का हुआ है। और कंपनी का सितंबर का रिजल्ट अभी नहीं आया है, लेकिन अगर कंपनी का इसी हिसाब से अगर हम बात करेंगे, कंपनी अपना जो यहाँ पे 900 करोड़ से 2011 से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ओनली डबल हुआ है सेल्स में। इतना बड़ा यहाँ पे ग्रोथ नज़र नहीं आया है, जस्ट डबल हुआ है। लेकिन अगर इसी हिसाब से हम प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे, प्रॉफिट एक शानदार यहाँ पे ग्रोथ नज़र आया है। एक 37 करोड़ से यहाँ पे 159 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है, जो कि शानदार तरीके से कंपनी ने अपना प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर ध्यान दिया है। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है, ओनली 40 करोड़ का कंपनी का शेयर कैपिटल है। लेकिन अगर हम रिजर्व के ऊपर यहाँ पे नज़र डालते हैं, कंपनी का रिजर्व जबरदस्त तरीके से यहाँ पे ग्रोइंग हो रहा है। 92 करोड़ से यहाँ पे 645 करोड़ का कंपनी के पास में रिजर्व हो चुका है। उसी के साथ में CWIP के बारे में अगर बात करेंगे, 53 करोड़ का कंपनी के पास में CWIP है। उसी के साथ में अगर कंपनी का हम प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे प्रमोटर के पास में 49.99% का स्टेक है। उसके साथ में FII के पास में 7% का है। उसी के साथ में DI के पास में 13% का है। और उसी के साथ में अगर हम रिटेल पब्लिक के बारे में बात करेंगे, रिटेल पब्लिक जो कि बिलो 1% का होल्डिंग रखते हैं, तो उनके पास में अराउंड यहाँ पे 26% का स्टेक देखने को मिल रहा है। उसी के साथ में फ्रेंड्स, अगर कंपनी का हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं, बेहतरीन रिटर्न ऑन कैपिटल है यहाँ पे, 24% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। कोई छोटा मोटा नहीं है फ्रेंड्स, एक स्मॉल कैप कंपनी है, 4300 करोड़ का मार्केट कैप है। उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो, 28% का डेट टू इक्विटी रेशियो है, जो कि इतना ज्यादा डेट टू इक्विटी रेशियो भी यहाँ पे इतना ज्यादा बोरिंग नहीं है, आज पर हमारा गाइडलाइंस पे बिल्कुल फिट बैठता है। उसी के साथ में ROE भी 22% का है और कंपनी बेहतरीन डिविडेंड देता है, जो कि मेरा बिल्कुल 1% से एबव अगर कोई कंपनी डिविडेंड देता है वो मेरा फेवरेट है। यहाँ पे 1.37% का डिविडेंड है। उसी के साथ में अगर हम देखते हैं लास्ट 4 क्वार्टर में 141 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया है। यहाँ पे कंपनी का मेन कंपनी करती क्या है, इस चीज को जरूर हमें समझना चाहिए। कंपनी का अगर हम बात करेंगे, जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज इंडिया मार्केट लीडर इन ऑटोमेटिक सस्पेंसिव सॉल्यूशन, द कंपनी इज इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ टेपर्ड लीफ एंड पैराबोलिक स्प्रिंग्स एंड लिफ्ट एक्सेल। कंपनी एक्सेल यहाँ पे सप्लाई करता है और उसी के साथ में कंपनी किस किस को देता है, यहाँ पे स्प्रिंग वगैरह जो भी यहाँ पे कंपोनेंट है कंपनी प्रोडक्शन करता है। कंपनी का जो पोर्टफोलियो है ये एक मेजर सेगमेंट में, और कंपनी अपना सेगमेंट में द कंपनी हैज डोमिनेट शेयर इन 68%। कंपनी ने यहाँ पे एक मार्केट, लार्जेस्ट मार्केट शेयर रखता है। उसी के साथ में कंपनी का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 4 प्लांट्स है कंपनी का। उसी के साथ में अगर हम देखेंगे यहाँ पे 300+ डिस्ट्रीब्यूटर है और 15,000 यहाँ पे है, अगर आप बात करेंगे 11,500 रिटेलर है। उसी के साथ में कौन कौन कस्टमर बेस है, कस्टमर बेस यहाँ पे अशोक लेलैंड है, उसके साथ में टाटा मोटर्स है, फोर्स है, जो भी सब ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो भी कंपनी है, सारे कंपनी यहाँ पे इनके पोर्टफोलियो में, जो कि कस्टमर बेस है, आइसर मोटर है, उसके साथ में एस्कॉर्ट है, सारे ही मतलब यहाँ पे। उसी के साथ में कंपनी यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो प्रेजेंटली इट्स बिगेस्ट कस्टमर आई टाटा मोटर्स है, उसी के साथ में अशोक लेलैंड है। तो उसी के साथ में अगर इस चीज़ को अगर हम नज़र में देख रखते हैं फ्रेंड्स, मुझे लगता है यहाँ पे एक जबरदस्त तरीके से आगे आने वाले टाइम पे ग्रोथ आ सकता है, क्योंकि ये स्मॉल कैप स्टॉक है। जब स्मॉल कैप स्टॉक में जब तेजी आएगा ना, भयंकर तेजी आ सकता है, क्योंकि अगर स्टॉक का भी अगर आप पुराना चार्ट पैटर्न देखेंगे, एक टाइम पे 1 रुपए के पास में ट्रेडिंग हो रहा था, तो अभी देखिए कहाँ पे 100 रुपीज के वो जा चुका है स्टॉक।
तो जब तेजी आता है ना स्टॉक में, जबरदस्त तरीके से तेजी आता है। देखिए 5 रुपए से लेके स्टॉक एक जमाने में 20x रिटर्न दे चुका था, मतलब यहां से लेके मतलब क्या जबरदस्त तरीके से तेजी आया था। सेम टू सेम कोविड में भी ये स्टॉक का प्राइस कहां तक आ चुका था, 23 रुपीज के पास में, लेकिन यहाँ पे 5 टाइम्स रिटर्न दिया है। यहाँ पे आगे मुझे लगता है सेम टू सेम एक तेजी आ सकता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे ये स्टॉक में क्या अपॉर्चुनिटी है, इस चीज को देखिए, हमें यहाँ पे बेसिक कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस पे बिल्कुल फीड बैठता है, कंपनी हमारा फंडामेंटली पास हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे टेक्निकल क्या बताता है फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे टेक्निकली एक बहुत बड़ा पैटर्न नजर आ रहा है कि यहाँ पे आने वाले टाइम पे हमारे लिए एक स्विंग ट्रेड का अपॉर्चुनिटी है। क्या अपॉर्चुनिटी है इस चीज का हमें जानना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। अगर स्टॉक में हम मूविंग एवरेज को सेट करते हैं, सारे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक आ चुका है, ठीक है, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। अगर आप कुछ महीनों से देखेंगे स्टॉक एक कंटिन्यूअसली, अगर आप इस चीज का स्टडी करेंगे तो 200 डे मूविंग एवरेज को बहुत बढ़िया तरीके से रेस्पेक्ट कर रहा है। लेकिन इसी बार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे आ चुका है, ठीक है। उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे, मुझे लगता है आगे आने वाले टाइम पे एक बहुत बढ़िया जबरदस्त तरीके से तेजी आ सकता है। और कहाँ तक का आ सकता है, इस चीज का मैं क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या रिलेट है, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे RSI का लेवल देखिए कहाँ तक आ चुका है, 43 का RSI का लेवल आ चुका है। उसके साथ में सारे मूविंग एवरेज के नीचे है स्टॉक, ठीक है। उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है ना, मुझे लगता है ये एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है। अगर आपने स्टॉक में पोजिशन अभी तक नहीं बनाया है तो अभी इसी लेवल पे बना सकते हैं, जो कि 105 का लेवल से, और यहाँ से लेके आपको जो टारगेट लेके चलना है, टारगेट से पहले मैं आप सबको एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। आपका एक लाइक मेरा बढ़िया से मोटिवेशन बिल्ड करता है एक बढ़िया से वीडियो बनाने के लिए। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, हर एक वीडियो को लाइक कीजिए, और हर एक वीडियो को भी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए फ्रेंड्स, ताकि उनको भी एक बढ़िया सा स्टॉक के बारे में पता चल सकते हैं, वो भी स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे टारगेट के बारे में फ्रेंड्स, सीधा सीधा आपको ये स्टॉक में यहाँ तक लेके चलना है, ठीक है। अगर ये स्टॉक में देखेंगे सीधा सीधा आपको यहाँ पे स्टॉक का ऑल टाइम हाई तक लेके चलना है, जो कि 135 के नज़दीक में है। अगर हम यहाँ से लेके 135 तक का अगर पोजीशन बना के चलते हैं, यहाँ पे सीधा सीधा कितना परसेंटेज का गेन है, यहाँ से पोजीशन बनाया है और यहाँ तक एक स्टॉक में लेके चले, सीधा सीधा एक 28% का गेन बन रहा है। 28% का गेन है, और ये कितना दिन लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ से ज़्यादा नहीं लगेगा। फिर से देख लीजिए, 6 मंथ से ज़्यादा ये स्टॉक में नहीं लगेगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ, उसका क्या पैटर्न बिल्ट हो रहा है, जब ऐसा पैटर्न बिल्ट होता है ना वॉल्यूम के साथ में, ठीक है। और दूसरी बात है, जहाँ पे मूविंग एवरेज इंडिकेशन दे रहा है, ये सब पैरामीटर बहुत बिल्टअप करता है। उसके साथ में यहाँ पे कोरिलेशन जो देखने को मिलता है RSI का, ये सारे पैरामीटर फ्रेंड्स सुपर देखने को मिल रहा है मुझे। और उसके बाद में कंपनी एक जबरदस्त कंपनी अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है, डोमिनेट प्लेयर, मतलब अगर आप देखेंगे कंपनी ही ने बहुत जबरदस्त तरीके से अपना काम का चला रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसी भी टाइम पे ऑपरेटर यहाँ पे एंट्री मार के उस लेवल तक लेके जा सकते हैं। आप बोलेंगे आपको कैसे पता है, फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ ना, जहाँ पे जिस चीज़ का नज़र मुझे लग जाता है ना, जहाँ पे पता चल जाता है तभी तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए एक चीज़ में फिर से मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं कोई यहाँ पे दावा नहीं कर रहा हूँ कि गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि स्टॉक में ऐसा हो सकता है। मुझे जो नज़र आ रहा है वही चीज़ मैं आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ना तो मैं मार्केट में कोई बड़ा एनालिस्ट हूँ, ना तो मैं कुछ हूँ। जो मुझे नज़र आ रहा है, जो चीज़ मैंने सीखा हूँ समझा हूँ, मुझे जो लग रहा है वही चीज़ मैं बताने की प्रयास करता हूँ। क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई यहाँ पे मैं यहाँ पे कोई गारंटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। स्टॉक मार्केट में अगर हमने किसी भी, अगर 50 स्टॉक का एनालाइज करते हैं, उसमें अगर 30 स्टॉक भी फिट बैठ जाता है ना हमारे हिसाब से, रिस्क रिवार्ड के हिसाब से, अगर 30 स्टॉक भी प्रॉफिट आ जाता है विदिन 6 मंथ्स 1 साल में, तो हमारे लिए मुझे लगता है बहुत बढ़िया अचीवमेंट है, बहुत बढ़िया गेन है, ठीक है ना। अगर 60% 70% केस में अगर हम मेजोरिटी अगर टारगेट अचीव हो जाता है तो हमारे लिए बहुत बढ़िया अचीवमेंट है, जो होता है फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूँ ना होता है। मैं फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल के साथ में बता रहा हूँ। देखिए मैंने आपके सामने यहाँ पे क्या बताया था, मुथूट फाइनेंस में 100% का गेन की प्रोबेबिलिटी है, किस हिसाब से बताया था, यहाँ पे इसी चीज़ का नज़र आ रहा था कि मुथूट कैपिटल में यहाँ पे 100% पैसे बन सकता है। कौन सा डेट को मैंने वीडियो बनाया था उस चीज़, देखिए आपके सामने यहाँ पे पूरा प्रूफ है। देखिए मुथूट कैपिटल में पैसे बन सकता है, यहाँ पे सितंबर 23 को मैंने बताया था। स्टॉक का प्राइस कितना चल रहा था, 249 के पास में, अभी देखिए क्या प्राइस चल रहा है, यहाँ पे 300 के पास में चल रहा है, 249, जो कि 249 के पास में मैंने बताया था, इसी लेवल के, यस इसी लेवल पे, ठीक है। 23 को यहाँ पे देखिए कितना दिन हुआ है, कितना दिन हुआ है, अगर स्टॉक का इस हिसाब से प्राइस देखेंगे 35 डेज में, विदिन 35 डेज में 27% का मूव आ चुका है। आपको क्या लगता है फ्रेंड, स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता है,
पैसे बनता है फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ ना फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में अगर आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन करेंगे और हर एक स्टॉक में 3% लगाएंगे और अपना पोर्टफोलियो में 30% मतलब 30 स्टॉक लेके चलेंगे, बहुत अच्छा पैसा बनेगा। लेकिन आपको करना क्या है, ऐसे स्टॉक को अवॉइड करना है। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, ऐसे स्टॉक को अवॉइड करना है, फंडामेंटली सॉलिड कंपनी चूज करना है और सही टाइम पे एंट्री लेना है। पोर्टफोलियो में एक स्टॉक में 3% का होल्डिंग लेके चलना है, इसी हिसाब से आपको पोर्टफोलियो में 30 स्टॉक लेके चलना है और बहुत जबरदस्त तरीके से पैसे बनेगा। और पेनी स्टॉक को अवॉइड करना है, ठीक है। अगर कंपनी फंडामेंटली साउंड है उसको पेनी स्टॉक नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। कंपनी अगर फंडामेंटली बहुत बढ़िया अपना प्रॉफिटेबिलिटी दे रहा है, ये कर रहा है, ऐसे स्टॉक बढ़िया है, जो कि मुझे भी पता है, मेरा रैडर पे भी कुछ स्टॉक है, मुझे भी नजर आ रहा है कि वहां पे 3 टाइम्स 4 टाइम्स ग्रोथ आ सकता है, मैं भी वो स्टॉक को पोर्टफोलियो में ऐड करता हूँ। लेकिन मैं उसी हिसाब से बिजनेस को समझता हूँ, वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी को देखता हूँ, वो सारे टर्न अराउंड स्टोरी को भी देखता हूँ, वो सारी चीज देख के ही मैं किसी भी स्टॉक में पोजिशन बनाता हूँ। और ऐसा ऐसा जो स्टोरी होता है ना, वहां पे मेरा ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, वहां पे मेरा एक स्टॉक में ज्यादा से ज्यादा 1.5% 2% का इन्वेस्टमेंट लेके चलता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक स्टॉक में डायरेक्टली 28 लाख इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, एक स्टॉक में डायरेक्टली यहाँ पे एक जो कंपनी यहाँ पे खत्म होने वाला है, जो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, बुक वैल्यू से नीचे ट्रेडिंग हो रहा है, बुक वैल्यू माइनस में, ऐसा कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जो कि 82% का लॉस है। पोर्टफोलियो आप ट्रैक नहीं कर सकते हैं, सही ढंग का कंपनी नहीं ले सकते हैं, क्यों ले रहे हैं आप? इससे बढ़िया आप म्यूचुअल फंड में जाइए, मैं ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ। देखिए आप मेरा वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, मेरा बात से बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं, मेरा ऊपर गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ ना हकीकत बोल रहा हूँ। अगर आप आपका पोर्टफोलियो को ट्रैक नहीं कर सकते, सही सही स्टॉक नहीं ले सकते हैं, उससे बढ़िया आप म्यूचुअल फंड में डालिए। कैसे भी आपका तो 15-20% बन ही जाएगा ना, वहाँ पे इतना बड़ा बड़ा एनालिस्ट बैठे हुए हैं, वो आपका पैसे को मैनेज करेंगे, बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे देखिए डायरेक्टली 34% का लॉस है, 80 लाख का पोर्टफोलियो है, यहाँ पे 52 लाख का वैल्यू रह गया, क्या फायदा है? ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको सीख के समझ के करना है, ठीक है। अगर इसी हिसाब से अगर आप यहाँ पे एक्शन प्लान लिए होते, मैं स्टॉक तो बताता हूँ लेकिन एक्शन आपको लेना है, किसी टाइम पे एंट्री लेना है, किस टाइम पे आपको प्रॉफिट करना है, मैं जिस हिसाब से बताता हूँ आप करते जाइए, पैसा बहुत अच्छी तरीके से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे 27% का गेन बनाया 35 डेज में। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि 30% का प्रोबेबिलिटी रहता हूँ, 30% का प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर हम 1 लाख का पोर्टफोलियो को बिल्ड करते हैं, मैं हमेशा बताता हूँ ना 30% का मेरा हमेशा प्रोबेबिलिटी रहता है, 1 लाख का पोर्टफोलियो में अगर 30% का प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम चलते हैं, 10 साल में हमारा 13 टाइम्स पोर्टफोलियो ग्रो हो सकता है, 20 ईयर्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 190 टाइम्स ग्रो हो सकता है, ठीक है। आप इसमें मेरी बात में अगर सहमत नहीं है तो अगर आप चाहते हैं कि 25% के हिसाब से देखना है तो देख लीजिए ना, 25% का हिसाब से कितना परसेंट बनता है, 25% में 1 लाख का कैपिटल स्विंग ट्रेड में आपका 86 लाख बनता है। तो जब 10-20 साल में 86 लाख बन रहा है तो हमें FD में क्यों जाना है भाई, हमें उसमें क्यों जाना है? थोड़ा सा रिस्क लेना है, थोड़ा सा अमाउंट में अपना पोर्टफोलियो में डाके बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो करना है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इस चीज के बारे में जरूर आप सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं कोई यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं, मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, आपको इसी हिसाब से यहाँ पे पोजीशन बनाना है, इस टाइम पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है, 28% का गेन है, आपको विद इन आपको 6 मंथ में अचीव हो सकता है, ठीक है। कंपनी ग्रेट कंपनी है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ पे छोटा सा हिस्सा भी बाइंग करके लॉन्ग टर्म के लिए लेके जा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बिल्ड करता है, ठीक है। उसके साथ में अगर आप पर्सनली मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं और सीख के बहुत अच्छी तरीके से अपना पोर्टफोलियो को ग्रो करना चाहते हैं, मेरे साथ में बिल्कुल जुड़ सकते हैं। ये व्हाट्सअप का नंबर एक छोटा सा फीस के साथ में मेरे साथ में ज्वाइन करके बहुत जबरदस्त तरीके से अपना पोर्टफोलियो ग्रोथ कर सकते हैं, जैसे कि 3 साल में कैसे हमारा पोर्टफोलियो डबल हो सकता है, ठीक है। अगर आप फ्रीली सीखना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पे वीडियो बनाया हुआ है, ये सारे वीडियो का आप देखिए, यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे हमारा जो वीडियो है ना, ये वीडियो का आप देखिए 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 देख के भी आप बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन होता क्या है, ग्रुप में अगर ज्वाइन करेंगे, कौन सा लेवल पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ग्रुप में इमीडिएटली अलर्ट आ जाएगा, तो वहाँ पे आप इमीडिएटली प्रॉफिट बुकिंग करके दूसरा स्टॉक में स्विच हो सकते हैं, जो कि एवरी वीक हम वहाँ पे चार्ट शेयर करते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको जरूर वहाँ पे, और बाकी भी फाइनेंशियल रिपोर्ट वगैरह जो भी टेक्निकल एनालिसिस वगैरह वहाँ पे सारे हम चर्चा करते रहते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, जय हिंद जय भारत।